Hello, friend. Welcome to my channel. Love you. And hello, friend. Welcome to my channel. Hope you are happy. Party ka shuru ho gayi hai. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पानी पूरी रेसिपी, जो सुनते ही हमारे मुंह में आ जाता है पानी, क्योंकि ये सभी को पसंद है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले बना लेते हैं हम इसका पानी। पानी बनाने के लिए मैं डालूँगी उसमें 3-4 हरी मिर्च, थोड़ी पुदीने की पत्तियाँ और जीरा। ये आप मतलब जितना हमें पानी बनाना है उसके क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि हमें पानी तीखा चाहिए या फिर मीठा चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मिर्ची ऐड की है। मैंने 4-5 हरी मिर्ची का यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा पानी चाहिए था। अब इन तीनों चीज़ों को हम निकाल लेंगे मिक्सर में से, बारीक कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को मिक्सर में से निकाल लिया है, इसका पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम वो डालेंगे एक बड़े पतीले में, जिसमें आपको इसका पानी बनाना है। पूरा डालने के बाद मैं उसमें डालूँगी वाटर, हमारा सिंपल सा वाटर हम उसमें ऐड करेंगे कि आपको कितना पानी चाहिए, उसके हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी को ऐड करने के बाद हम उसमें डाल देंगे शुगर, जो हम एक स्पून या फिर हाफ स्पून, छोटे स्पून से आप उसमें ऐड कर दीजिए। आपको जितना मीठा चाहिए उसके हिसाब से आप उसमें डाल दीजिए, और फिर आपको जितना खट्टा चाहिए उसके हिसाब से आप उसमें एक लेमन या फिर 2 लेमन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये है टैमरिंड है तो आप उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेमन को छोड़ के आप इसमें टैमरिंड भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसमें हम डालेंगे हमारे टेस्ट के अनुसार साल्ट, और थोड़ा सा हम टेस्ट करके देखेंगे कि क्या कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, और फिर उसके हिसाब से हम उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, सब ऐड करने के बाद उस वाटर को हम एक बड़े छन्नी से निकाल देंगे, या फिर आप कॉटन के कपड़े से भी मतलब उसे छान लीजिए। और छानने के बाद क्या होगा कि उसमें जो भी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सब हमारे निकल जाएंगे, हमारा प्योर पानी हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि उसमें जो हमारा रेडीमेड जो पानी पूरी मसाला होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सुहाना का मसाला यूज़ किया है, तो वो आप एक या फिर 1.5 चम्मच 1.5 स्पून या फिर 2 चम्मच भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। और फिर रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही टेस्टी सा और बिल्कुल मार्केट के जैसी टेस्ट वाला यहाँ पे पानी पूरी का पानी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब दूसरे साइड में हम क्या करेंगे कि मार्केट में हमें जो पूरियाँ रहती है वो मतलब मिल जाती है, तो उसे मैंने ख़रीद के ले आई थी। अब उसे ही मैं इसमें फ्राई कर दूंगी, और जितनी चाहिए उतनी पूरियाँ मैं यहाँ पे फ्राई करके तो मतलब रख, और फिर इसके साथ कमी रह जाती है हमारे आलू की चटनी की। अगर आपको आलू की चटनी तीखी चाहिए तो आप उसे तीखी भी बना सकते हो, या फिर मीठे आलू को ही हम उबाल कर लेने के बाद उसमें सिर्फ आप उसमें अपना सादा ज़ीरा या फिर तीखी मिर्च और साल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके वैसे भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आलू की चटनी बना ली थी। और उसमें और सब रेडी करने के बाद मैं लगा लूँगी, मेरा चाट कॉर्नर रेडी हो जाएगा। कभी कभी छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ होती है, सिर्फ हमें वो आज़मानी चाहिए, खुद हमें उन्हें मतलब महसूस करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बड़ी बातें ही होनी चाहिए खुश होने के लिए, छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और अपनी लाइफ को हमेशा खुश रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे चाट का कॉर्नर बहुत रेडी हो गया मतलब, और इस तरीके से हमने मनाई हमारी छोटी सी पार्टी। तो आप भी इस तरीके से अपने खुद को खुश करिए और हमेशा खुश रहिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के।
आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।